यशराज फिल्म्स कंपनी और इसके डायरेक्टर्स पर 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी की शिकायत के बाद ये केस दर्ज किया है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी की ओर से म्यूजिक रॉयल्टी को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है। IPRS ने आरोप लगाया है कि यशराज फिल्म्स उन्हें दूरसंचार कंपनियों, रेडियो स्टेशन और संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से रॉयल्टी नहीं लेने दे रहे हैं। साथ ही सोसाइटी ने प्रोडक्शन हाउस की ओर से ली जा रही रॉयल्टी पर अपना हक बताया है। खबर के मुताबिक FIR में YRF कंपनी और उसके निदेशक आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा का नाम शामिल है। शिकायत में सोसाइटी का कहना है कि IPRS के पास आर्टिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर के बिहाफ पर रॉयल्टी लेने का अधिकार है, लेकिन यशराज फिल्म्स ये कलेक्ट कर रहा है। एक अधिकारी की शिकायत के हवाले से बताया गया है कि यशराज फिल्म्स कंपनी और उसके निदेशक ने कथित रूप से IPRS के सदस्यों की संगीत रॉयल्टी जमा करके 100 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं पुलिस ने ये मामला IPC की धारा 409 और धारा 34 के अलावा कॉपीराइट एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। यशराज फिल्म्स पर भले ही आरोप लगे हों, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन हाउस की ओर से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। पत्रिका.com के लिए नेहा गुप्ता की रिपोर्ट।